इस सरकार को सारा काम छोड़कर इस थूक जिहाद के लिए एक अध्यादेश लाना पड़ रहा है। क्या इतनी गंभीर हो चुकी है? मेरे खाने में कोई थूक दे तो आपको ये समस्या नजर नहीं आती? मुझे लगता है मेरा सवाल ही नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, जिसको खाने में थूक डाल के भाईचारा निभाना है वो निभाले, हमसे तो नहीं हो पाएगा। बहुत साफ बात है। बताओ कि यहाँ पर नोटों की गड्डी किस किसने गिनी है? हाँ तो जाओ जल्दी से। और ये बताओ किस किसने बिना थूक लगाए गिनी है? मतलब ये कमाल बात हो, कह रहे नोट गिन रहे उसमें भी थूक लगा रहे। अरे तो उठा के दूसरे के मुंह में थोड़ी ना डाल रहे उन नोटों को भाई। लेकिन गोमूत्र इनके लिए खराब है। अब जिहाद की हम बात कर लेते ना। गोमूत्र मेरे लिए भी खराब है। मैं एक हिंदू हूँ, पूजा पाटी हिंदू हूँ, लेकिन माफ कीजिए सर, इस तरीके की साइंस को मैं नहीं मानती। चीज कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ने जो बोला बिल्कुल सही बात है। आप पता नहीं अब्दुल को मतलब ये थूकने में भी कैसे प्लेजर आ सकता है, प्लेजर की और बहुत सारी चीजें मतलब। जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट होने वाली है बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में न्यूज़ एंकर शोभा यात्रा की आज डिबेट में बड़ी अच्छी तरीके से क्लास लगने वाली है, क्योंकि ये बार बार डिबेट में ये बताना चाह रही है कि जो योगी जी का फैसला था थूक जिहाद पर जो खाने में मिलाया जाता है वो एकदम गलत है, वो बार बार इसको डिवाइड करना चाहती है। लेकिन वहीं पर शिवम त्यागी और ऑडियंस ने इस एंकर को आज बड़ी अच्छी तरीके से रगड़ा है। वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, आपसे अंत के वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमें एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शिवम, क्या सच में ये इतनी बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में बन गई है कि आपको अध्यादेश तक लाना पड़ा? क्या बाकी और सारे जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो और बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं वो तो एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, कि सरकार को सारा काम छोड़कर इस थूक जिहाद के लिए एक अध्यादेश लाना पड़ रहा है? क्या इतनी गंभीर हो चुकी है समस्या? आपके खाने में या मेरे खाने में कोई थूक दे तो आपको ये समस्या नजर नहीं आती? मुझे लगता है बहुत बड़ी मेरा सवाल ही नहीं है यहाँ। हमारा सवाल है, मैंने तो अपना भी नाम लिया। सवाल पूछा मैंने तो अपना भी नाम लिया। मैंने ये मेरा सवाल नहीं है, हर चीज को आप मी वर्सेस यू मत कीजिए। मैंने आपसे पूछा कि अगर सरकार, मैं नाराज ही नहीं हूँ, मैं नाराज ही नहीं हूँ शिवम, मैंने आपसे सीधे सीधे कहा कि क्या सरकार के लिए ये इतना बड़ा गंभीर संकट पैदा हो गया है कि अध्यादेश लाना पड़ रहा है, इसका सीधा सा जवाब दीजिए। मुझे नहीं पता आप नाराज क्यों हैं, लेकिन मैं नाराज हुई नहीं, मैंने अपना भी नाम लिया। मैं फिर से कहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, जिसको खाने में थूक डाल के भाईचारा निभाना है वो निभाले, हमसे तो नहीं हो पाएगा। बहुत साफ बात है, यहाँ बड़ी सीधी सी बात है। इस देश में कोई व्यक्ति अगर रेस्टोरेंट जाता है वो सोचता है, अपने परिवार के साथ जाता है, वहां पर खाना खाता है, तो वो उम्मीद करता है कि उसके साथ जितनी भी चीजें हैं वो उसको साफ साफ मिलेंगी, बेहतर मिलेंगी। और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है, चाहे वो बागपत का विषय रहा हो, चाहे वो इसके अलावा नोएडा का विषय रहा हो, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरह की चीजें हुई हैं। मैं मानता हूं कि ये हर किसी का अधिकार है, एक आजाद देश में जब आप खाना खाने जाएं तो एटलीस्ट खाना तो स्वच्छ मिले। अब कोई ऐसी मानसिकता के साथ बैठा हुआ है कि उस खाने में कोई पेशाब कर दे रहा है, कोई थूक दे रहा है, तो माफ कीजिए, ऐसे लोगों का तो इलाज होना ही चाहिए। सही बात है, मेरे पास है। ऐसा नहीं है कि ये जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो सिर्फ मुसलमान लड़कों के आ रहे हैं। आपको मुंबई का एक वीडियो याद होगा, आइसक्रीम में किस तरीके से सीमेन मिलाया जा रहा था और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो मतलब कुल मिलाकर जो जहां पर हाजी साहब कह रहे हैं कि ये एक मानसिक बीमारी है और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि ये एक मानसिक रोग है। मुझे याद आता है कि बहुत कुछ दिन पहले हमारे एक चर्चा चली थी कि हिंदू भाई जो है हर उस चीज़ में गौमूत्र मिला देते हैं। अब गौमूत्र मिला देना कितनी बड़ी बात थी एक मुसलमान के लिए, लेकिन मुसलमानों ने कभी इसको ऊपर शोर नहीं मचाया, कोई कानून लाने की बात नहीं की, क्योंकि मुसलमान जानते हैं कि इस देश के जो हिंदू है, मेजोरिटी जो है इस देश की हिंदुओं की है, वो बहुत प्यार मोहब्बत से रहने वाली है। वो क्यों एक मुसलमान के, वो भले ही गौमूत्र को पवित्र मानते हो, लेकिन वो क्यों किसी मुसलमान के खाने में, एक बड़ा मुद्दा उठा दिया, ये आप गलत इल्जाम है, ये गलत इल्जाम है, बात किसी भी मुसलमान के खाने में नहीं मिलाया गया आज तक। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। और हदीस को आज मैंने सबको खंगाला है और पूरी रवायात देखी है मैंने कि कहीं कोई ऐसी चीज मुझे मिल जाए जिसमें किसी के खाने में थूकने की कोई बात मिलती हो, मुझे एक भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली। नहीं, ऐसा तो किसी भी, मुझे लगता है कि किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ में ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो हाइजीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये साफ सफाई से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हम क्यों लगाया इसके साथ, आप क्यों थूक जिहाद कर रही हैं? जिहाद एक पवित्र शब्द है, उसको बदनाम करने का जो काम किया जा रहा है, ठीक है। मैं अमितोष
अरे रुको जरा, विश्व हिंदू परिषद से एक मिनट, ये गौमूत्र भी हो सकता है कि हमारे लिए वो बहुत पवित्र हो हिंदुओं के लिए, लेकिन एक दूसरे धर्म के लोगों के लिए वो उतना ही नापाक है जितना कि हम, लेकिन हालांकि देखिए थूक तो जो है वो तो बिल्कुल ही आती है, दोनों ही चीजें आती है, बताइए बताइए बोलिए। गौमूत्र के ऊपर तो बात पूरे विश्व में आ चुकी है, वर्ल्ड लेवल पे आ चुकी है, पेटेंट हो चुके हैं, गाय को काटना इनके लिए सही है लेकिन गौमूत्र इनके लिए खराब है। अब जिहाद की हम बात कर लेते हैं ना, इनके लिए नहीं है गौमूत्र, मेरे लिए भी खराब है, मैं एक हिंदू हूँ, पूजा पाटी हिंदू हूँ, लेकिन माफ कीजिए सर, इस तरीके की साइंस को मैं नहीं मानती हूँ। अच्छा आप माने, आप अपने गौमूत्र को पीजिए या जो करना है आपको, मैं नहीं मानती हूँ सर, और हिंदू और आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मानसिकता है ये, किसी तरह का कोई मानसिक असंतुलन नहीं है, और जिस तरह से देश के अंदर में शरिया कानून की मांग पूरे विश्व में ये कर रहे हैं, इनकी बातों में लिखा है कुरान के अंदर में, मैं बताता हूँ, जो अल्लाह को नहीं मानेगा उसके ऊपर सीवियर पेनल्टी इनको फेस करनी पड़ेगी। कुरान का सूरत 5 आयत 86, कुरान सूरत 3 आयत 4, बोलने दीजिए। अरे अभी तो आपकी मानसिकता, अरे अभी तो मानसिकता, इसीलिए मैंने कहा था कि ये मुख्य संवैधानिक है, संविधान से चलने वाला है। सूरत 5 आयत, नहीं नहीं, अगर भारत को आप शरिया से तोलेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। सूरत 41 आयत 50, सूरत 58 आयत 4, फॉर दोज हु रिजेक्ट हिम देयर इज अ ग्रीवियस पेनल्टी, खाने में थूक मिला देना, और फिर उसके बाद आप हदीस की बात करते हैं, मैं हदीस कोट करता हूँ, आप उसको अपोज कर दीजिएगा, अल मिसवार बिन मकरमा उसमें इसका साफ जिक्र विवरण दे रखा है। जिस तरह से देश के अंदर में जिहाद की बात करते ना, तो जिहाद तो हिंदू में कई संस्कृति में नहीं है, तो आपके साथ लग रहा तो दिक्कत क्या हो रही है शंकरन? उतना ही अपवित्र, उतना ही नापाक एक धर्म के लिए गौमूत्र है, थूक भी वैसा ही है और पेशाब भी वैसे ही है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमारी सोच एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के दायरे को दिमागी रूप से लंगड़ा और लूला बना दिया गया है। वो क्या करते हैं कि ऐसे लोग, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ऐसे मौलाना या ऐसे कुछ ऐसे लोग जो पंडित बन के बैठ गए कि वो है नहीं, और वो क्या करते हैं, पहले व्यवस्था थी कि भाई वो फूंक मार के कुछ कर रहे हैं, और वो फूंक तो रहने गए, वो थूक रह गया है। अब आप ये देखिए कि मैं स्वयं से इस बात का भुक्तभोगी हूँ, ज्यादा दूर नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ आजादपुर मंडी के अंदर क्या होता है, वहां पर पर्टिकुलर कुछ लोग बैठ के वहां पर वो थूक रहे हैं और उसे ऐसे साफ करके वो दे रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब ये क्या चीजें हैं ये, मैंने कहा ये क्या हरकतें हैं आपकी, तो कहते हैं जी इससे बरकत मिलती है। अब आप ये बताइए आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्यों बिलोंग कर रहे हैं, कारण कि मुस्लिम को हम बिलोंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैं चुके नहीं, आप पहले मेरी बात सुनो, देखिए मेरे साथ बहुत सारे बिल्कुल सही है, मैं जीवन जीऊं तो कहां मेरे वाले व्यक्ति हूं, एक मिनट रुकिए, अब आप रुक जाइए, अब आप रुक जाइए, देखिए मेरे साथ ये ढाबे वाला यहां पर मौजूद है, मेरे साथ ये ढाबे वाला यहां पे मौजूद है, भैया हिंदू हो कि मुसलमान हो? हिंदू है। हिंदू हो, क्या तुमने कभी किसी को अपने साथी को, जो मुसलमान साथी हो, क्या कभी किसी को खाने में थूकते देखा है? नहीं देखा है। चलिए अब मेरे पास ये चाय का ठेला लगाने वाले भी भैया है, भैया तुम तो भगवा पहने ही हुए हो, तो तुम तो हिंदू हो तो पता ही चल रहा है, कभी किसी को थूकते देखे हो या सिर्फ वीडियो में ही देखा है? नहीं जी कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखा है। चलिए अब मैं जूस कॉर्नर का भी रुख कर लेती हूँ, क्यों भैया किसी को देखा है आपने थूकते हुए? आप हिंदू है मुसलमान है? हिंदू है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये तीन लोग मौजूद है, ढाबे वाला, चाय वाला और जूस वाला, इन्होंने कभी किसी को थूकते हुए नहीं देखा है। अब मैं कहीं ढाबे पे खाना खाने जाऊं तो मैं पहले वहां जाके सारे जितने एम्प्लॉइज हैं उनका धर्म चेक करूं कि नहीं साहब आप हिंदू हैं तो आप नहीं थूकेंगे, आप मुसलमान हैं तो थूकेंगे, तो ये एक अलग से एक नफरत पैदा हो गई है, क्या कहेंगे आप? यस मैम, अभी के टाइम में ऐसा हो गया है कई जगह पे, क्योंकि पिछली बार भी आए थे तो हो गया था कि हिंदू नहीं सामान खराब करता है, थूकता नहीं है, ठीक अभी हिंदू ठीक है। अब मैंने आइसक्रीम वाले का उदाहरण तुम्हें मुंबई का दिया कि वो उसमें वीर डाल रहा था अपना आइसक्रीम में, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, तो ये तो इसका मतलब धर्म से रिलेटेड है ही नहीं। मैम गिरफ्तारी तो हो गई ना, अब यहाँ पर तो कई सारे लोगों को ये भी दिक्कत, इसके लिए तो पुलिस जिम्मेदार है ना, तो इसके लिए भी कई सारे लोगों को दिक्कत है कि मुस्लिम क्यों, मुस्लिम के ऊपर क्यों, हिंदुओं को भी तो उसको मिल रहा है ना, तो मुसलमानों को मिल रहा है तो इनको क्या दिक्कत हो रही है, मुझे समझ में नहीं आई बात। मेरा सवाल है उनसे सर, जैसे कि हम सुबह शाम या कभी भी हमारा त्यौहार होता है तो हम जय श्री राम चिल्ला देते हैं तो आपको तकलीफ हो जाता है, आप दिन में सुबह कैसे पता तकलीफ हो जाता है? मैम दंगे होते हैं ना, तुम भी तो मस्जिद के आगे जाके चिल्लाते होगे जोर से। मैम एक चीज पे आ रहा हूँ मैम, तो मैम आप सर पूरे दिन माइक लगाकर चिल्लाते हैं, मुझसे उससे कुछ तकलीफ नहीं होता, हमें नहीं तकलीफ होती है, लेकिन सर मैं आप गौमूत्र पर बात कहें कि गौमूत्र अपवित्र होता है, सर आप गाय को काट कर खाते हैं, हमें उससे कुछ दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं है, ये आपका धर्म कहता है आप खाते हैं, सर एक चीज बताइए मैं आपको पानी लेकर उसमें थूक दूं आप पी लीजिएगा? वो तो उन्होंने पहले ही जवाब दे दिया कि वो अनहाइजीनिक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पर नोटों की गड्डी किस किसने गिनी है, हाथ उठाओ जल्दी से, और ये बताओ किस किसने बिना थूक लगाए गिनी है, देखा सबने हाथ नीचे कर लिए। तो देखिए अब यहाँ पर थूक जिहाद की बात हो रही है, लेकिन अमूमन जब हम देखते हैं तो जब भी हम नोटों की गड्डी गिनते हैं तो लोग थूक लगाते हैं, बताओ देखा है आपने थूक लगाते हुए? हाँ
बोलते जाओ जल्दी से, बताओ देखा तुमने? नहीं लगाया पर तुमने देखा तो होगा ना मैम? देखा है, बट एक मिनट, मेरा क्वेश्चन भी तो है। मैम एक चीज बताओ, थूक लगा करके वो एक होता है डायरेक्ट अपने पेट के अंदर जाना, खाने के अंदर थूक दो खाकर खाना, एक होता है कि मैं वो 50 जगह लग रहा है उसके बाद उसका कोई इतना वो नहीं रहेगा। अच्छा मतलब थूक, मतलब वो अच्छा नोटों पे लग रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं है, उसके अंदर डायरेक्ट थूक देंगे तो उसका तो कोई नहीं। चलिए ठीक है, शिवम 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 कुछ कहना चाहते हैं? शिवम बोलिए। मैं एक तो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ने जो बोला बिल्कुल सही बात है। अब पता नहीं अब्दुल को मतलब ये थूकने में भी कैसे प्लेजर आ सकता है, प्लेजर की और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बार बार यही आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं। शिवम ये प्लेजर नहीं है, ये बीमारी है। अब ये देखिए शिवम ये प्लेजर नहीं है, ये बीमारी है। अब ये देखिए बोलने ही नहीं दे रहे, कोई कमाल हो गया। अब प्लीज रुकिए ना, समय पे बोलिए। अब दूसरे मतलब ये कमाल बात कह रहे, नोट गिन रहे उसमें भी थूक लगा रहे। अरे तो उठा के दूसरे के मुंह में थोड़ी ना डाल रहे उन नोटों को भाई। कहा कि हम एक कानून बनाते हैं जिस कानून में हर किसी रेस्टोरेंट ऑनर की जो है वेरिफिकेशन होगी, उसका एक रजिस्ट्रेशन होगा, उसके यहां पर जितने भी वर्कर्स हैं उसकी वेरिफिकेशन होगी, ताकि अगर कोई इस तरह का काम करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। तुरंत मौलाना कहने लगे ये देखिए ये तो गलत हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। अरे हमने मुसलमानों का नाम ही नहीं लिया शिवम भाई, मुस्लिमों ने तो अरे हमने नाम ही नहीं लिया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको इस एंकर के बारे में अपनी कुछ राय रखनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।